नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके घर परिवार के पीछे भूत छोड़ दिया है इस नाम की नारी या फिर इस नाम की औरत। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह औरत पिछले कई सालों से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रही है और इनके ही काला जादू के कारण आपके कार्य अक्सर बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इन्हीं के कारण आपकी जुनकाल में इतनी सारी परेशानियां लगातार बनी रहती है। आप चाहकर भी इन परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। एक परेशानी अगर आपकी जुनकाल में खत्म हो जाए तो यह एक और षड्यंत्र करती है और आपकी जुनकाल में कोई दूसरा बाधा खड़ी कर देती है, जिनके कारण आप फिर से उलझ जाते हैं। यूँ कहें तो आपकी जुनकाल में वृद्धि कम हो गई है इस नाम की नारी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर इन्हें अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह नारी आपके जुनकाल के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक साबित होने वाली है। जी दोस्तों, समाधान आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। बस इनमें आपकी ज़रूरत होती है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको इस नारी का नाम भी बताएंगे, साथ ही कैसे आप इनसे बच सकते हैं, कौन से उपायों को आपको करना चाहिए, कौन से मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए ताकि इन बाधाओं से आप पूरी तरह मुक्त हो जाए। उससे पहले दोस्तों, जो भी माँ काली के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ काली रक्षा करो ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ काली का शक्ति इतना खास है कि जिनके भी जुनकाल में इनका आंख पड़ जाए, जिनके भी जुनकाल में इनका आशीर्वाद मिल जाए दोस्तों, उनके जुनकाल में संकट तो दूर की बात, संकट की परछाई भी नहीं आ पाती। जी दोस्तों, तो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखें। शादी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी के जुनकाल पर सदैव रहेगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने जुनकाल में बहुत ही सफल इंसान बनने की सोच रखते हैं। जो भी आपके मन में आते हैं दोस्तों, आप कभी भी उन्हें मन में दबाकर नहीं रखते हैं। आप अपने परिवार के साथ बातों को तो शेयर करते हैं जो भी आप अपने जुनकाल में चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इनके साथ ही साथ जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो भी आपके पास रहते हैं, जो भी आपके दिल के करीब हैं दोस्तों, आप भी उनसे अपने जीवन की जो भी बातें हैं, जो आने वाली क्रियाकलाप हैं, उन सभी की जो गुप्त बातें हैं, अपने जुनकाल में आने वाले योजनाओं के बारे में सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह आपकी गलती है और इन्हीं के कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में जो भी समस्याएं आ रही है यहीं से शुरुआत होती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, फिर दोस्तों धीरे धीरे आपके साथ रहकर उनका देखने का नजरिया बदल जाता है और दोस्तों वे आपसे ही जलनशील की भावना से बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं और दोस्तों आप इन बातों को समय समय पर नजरअंदाज करते आ रहे हैं। दोस्तों याद कीजिए कि पिछले समय अंतराल में भी आप सभी के जीवन काल में ऐसे कई लोग आए हैं जो कि आपके साथ रहकर आपको धोखा भी दिए हैं, और कोई ऐसा भी लोग है कि दोस्तों धोखा देने के बाद आपसे मिलने के ये बहुत ही प्रकार के जो है कार्य भी किए हैं, आपके सामने अच्छे बनने के कार्य भी वो लोग करते हैं और दोस्तों फिर आप अपने दिल को उनके आगे हार बैठते हैं। तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को एक बार माफ कर अच्छा इंसान बन जाओ, लेकिन दोस्तों दोबारा उन पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दोस्तों जो इंसान जैसा था वह वैसा ही रहेगा, आप उन पर बिल्कुल ही यकीन ना करें। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का याद रखना है कि जो भी इंसान आपको जीवन में कभी भी धोखा दिए हैं, कभी भी आपको छल किए हैं, तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बार सिर्फ पहचान करना है और उनसे दोस्तों आपको दूर जाना है। जी दोस्तों, उनसे बात भी आपको नहीं करना है, जैसे दोस्तों आप उनको अपने जीवन काल में निकाल सकते हैं। और दोस्तों यही ऐसे लोग होते हैं जो दोस्तों आपके साथ रहकर आपके ऊपर छल करते हैं, आपके जीवन काल में कई प्रकार के टोने टोटके कराते हैं, जिससे दोस्तों आपको क्षति आपको नुकसान होते हैं। तो दोस्तों
आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है, गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए आपके जीवन काल में एक और ऐसी बात है जो कि आपके लिए सटीक है कि दोस्तों कोई भी इंसान जब आपसे कुछ रुपया मांगता है, जे दोस्तों कोई भी इंसान इमोशनल होकर आपसे कोई कार्य करने के लिए कहता है तो दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल भी ना नहीं कह पाते हैं। दोस्तों ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी कोई इंसान अपने दुख लेकर आपके पास आ जाते हैं तो दोस्तों उन्हें ना करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप उनके पीछे की बात को छान भी नहीं करते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे ही लोग हैं जो कि आपको धोखा देने के चक्कर में रहते हैं और फिर दोस्तों जब उनको आप पैसे दे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दिनों के बाद आप देखते हैं कि दोस्तों आप उनकी नजरों में बुरे बन चुके हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है कि पैसे से लेन देन जल्दी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में पैसा बहुत ही अच्छा है तो एक तरफ बहुत ही बुरा भी है। जी दोस्तों, जहाँ पैसे हमारी जीवन की सभी इच्छाएं पूरी करती है, वहीं दोस्तों दूसरी ओर अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना करे हो, हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं, वे हमसे नजरें चुराने लगते हैं। जितना आप पहले बात करते थे दोस्तों पीछे आप बात करना कम कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे जीवन की हालात हो जाती है। तो दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप दोस्तों इनमें कोई भी कार्य करते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अपने जीवन काल में कोई भी करीबी लोगों से पैसे की लेन देन बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों जहाँ तक हो सके आप समय उन्हें दे सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। और दोस्तों पैसे को लेन देन में आप बिल्कुल ही ना पड़े। तो दोस्तों इन बातों का आप अपने जीवन काल में ध्यान रखें कि दोस्तों ऐसी ही गलतियां होती है जो कि आपके जीवन काल में आप करते हैं और दोस्तों आगे चलकर वही गलती विशाल रूप धारण करके आपके जीवन काल में कई प्रकार के समस्याओं का कारण बनते हैं। जे दोस्तों और यही लोग आगे चलकर आप सभी के जीवन काल में टोटके भी करवाते हैं, भूत भी छोड़ते हैं, बहुत प्रकार की जो इनके ऊपर हो सकती है वे सभी कार्य आपके ऊपर ये करने लगते हैं। तो आए दोस्तों से इस साथ बात करते हैं कि इन सभी से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी बातों को बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, क्यों दोस्तों ये आपके पूरे जीवन का सवाल है। तो दोस्तों इन बातों को आप बहुत ही गौर से सुने। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति इन सभी बुरी शक्तियों की चपेट में आ जाते हैं, जो भी इनके रखरखाव में भी आ जाते हैं, तो दोस्तों उनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता, वह खुद से कोई कार्य सोच नहीं सकता, स्वयं को और दूसरे को हमेशा मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाता रहता है। व्यक्ति के शरीर के हिसाब से जो उनका बल होता है वह ज़्यादा आ जाता है, नेत्र में जलन होने लगता है, बार बार पेशाब आना, उदासीन और गुमसुम रहना वह व्यक्ति शुरू कर देता है, हमेशा गुस्सैल हो जाता है और चिड़चिड़ापन आने लगता है, चेहरा भी पीला पड़ने लगता है, भूख ज़्यादा लगती है, अचानक ही कोई रोग हो जाता है और जब डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तो खुशी का पता भी नहीं चलता, दुर्भाग्य होना और बड़े ही हानि का हो जाना, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें सामने आती है। जी दोस्तों, तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके जीवन काल में आपके पारिवारिक माहौल में किसी के साथ हुआ है तो दोस्तों आपको समझ जाना है कि इनके ऊपर तांत्रिक क्रिया, जादू टोना या फिर नजर दोष का ही चाल है। तो दोस्तों इनसे बचने के लिए अब आपको कौन से उपायों को करना चाहिए, चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आपको प्रतिदिन अपने घर को गाय के गोबर से लिपाव करना है। जी दोस्तों, बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने। दोस्तों प्रतिदिन आप गाय के गोबर से ही अपने घर बाहर का लिपाई करें, साथ ही जो गोमूत्र होता है उन्हें अपने घर के चारों ओर से हर रोज छिड़काव करें। जी दोस्तों, हम आपसे को बता दें कि दोस्तों जो भी तांत्रिक क्रियाएं होती है वह हमेशा आधी रात को किया जाता है, जी दोस्तों, ताकि कोई उन्हें टोक ना दे। इसी प्रकार दोस्तों जब भी आप इन क्रियाओं को करें, जब भी आप अपने जीवनकाल में इन उपायों, तो दोस्तों ध्यान इन बातों का रखें कि कोई भी आपको टोके ना। जी दोस्तों, क्योंकि जब भी बुरी शक्ति कार्य करती है और कोई अगला व्यक्ति टोक दे तो दोस्तों उनका असर नहीं होता। तो दोस्तों जब भी आप गाय के मूत्र से घर का छिड़काव करते हैं तो दोस्तों आसपास आपके कोई भी ना हो, चुपके से आप सब क्रियाएँ करें। जी दोस्तों, ना ही घर के व्यक्ति हो, ना ही बाहर का व्यक्ति हो। जी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो दोस्तों आपको सुबह के ही समय, जब कोई उठते नहीं है, उन्हीं समय आपको गोमूत्र लेना है और अपने आंगन में, बाहर में और घर के चारों तरफ
थोड़ा थोड़ा करके छिड़काव कर देना है। साथ ही प्रतिदिन एक सुपारी साबुत अर्पण करें गणेश जी को। हर रोज किसी दरिद्र नारायण को एक कटोरी भरकर अन्न का भी दान करें। साथ ही लहसुन का रस और हींग मिला लें और इन्हें सुंघा दें। जो भी आपके घर में पीड़ित व्यक्ति है, जो भी लोग इनसे परेशान हैं, बुरी शक्तियों से परेशान हैं, कि जब भी रविवार का दिन आता है तो उसमें आपको धतूरे का जड़ लेना है और उनका ताबीज बनाकर जो भी पीड़ित व्यक्ति है उनको पहना देना है। ये बहुत ही अच्छा उपाय। साथी गोचरण और तगर को एक नए लाल कपड़े में लपेट कर बांध कर रख दें अपने पूजा स्थान में। साथी आपको बता दें कि दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा ना हो तो घर में ही तुलसी का पौधा अपने आंगन में जरूर लगाएं। अगर है तो दोस्तों, सुबह शाम तुलसी की आप आराधना करें। तुलसी को धूप दीप दिखाएं, घी का भी दीपक जला सकते हैं, बहुत ही कारगर उपाय है। साथ ही प्रतिदिन पीड़ित व्यक्ति को पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, इसके बाद सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही आपको गायत्री मंत्र 108 बार जाप करना चाहिए। जी दोस्तों, कोयला 1.25 किलो, 1 किलो साबुत उड़द के दाल के साथ मिलाकर काले रंग के 1.25 मीटर कपड़े में बांध लें और इन्हें पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से वार कर जल में प्रवाहित कर दें। एक चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर एक साथ डालकर पूजा स्थान में जला दें। प्रतिदिन रात को सोने से पहले आप इन उपायों को कीजिएगा। जी दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि धतूरे का जो पौधा है उन्हें जड़ सहित उखाड़ लें पुष नक्षत्र में और इन्हें जमीन के अंदर इस तरह दबा दें कि पूरा पौधा जमीन के अंदर चला जाए और ऊपर रह जाए केवल उसका जड़ वाला भाग। इस टोटके को अपनाने से घर में सुख शांति का अनुभव होता रहता है और ऊपरी हवाओं से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलता है। शनिवार या मंगलवार के दिन आप हमेशा बजरंग बाण का पाठ करें, सदा हनुमान जी का ध्यान करें, सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार और मंगलवार के दिन श्रृंगार करें हनुमान जी का और उन्हें चोला भी चढ़ाएं। रात दिन पवित्र होकर सुबह शाम 2-2 अगरबत्ती महाकाली के लिए जलाएं और उनसे अपने शरीर और घर की रक्षा के लिए प्रार्थना करें कि हे माँ, अब हमें अपने जीवन काल में जो भी बाधाएं हैं उनसे मुक्ति दीजिए। जो भी गलतियां हमसे हुई है उन्हें माफ कर दीजिए। माँ, हमें अपने शरण गति में रखिए। दोस्तों, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। अपने घर के मंदिर में 7 पत्ते रखें अशोक वृक्ष के, उनकी पूजा करें और सुख जाने पर इन पत्तों के स्थान पर नए पत्तों का स्थान दें तथा पुराने पत्ते को रख दें। केसर, गायत्री, जावित्री को कूट कर चूर्ण बना लें तथा उसमें गुगल मिश्रित कर प्रातः काल तथा संध्या काल में निरंतर 21 दिनों तक घर में धूप देते रहें। साथ ही 4 गोमती चक्र लेकर शुक्ल पक्ष के बुधवार को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर उतार कर चारों दिशा में फेंक दें। घर में हनुमान चालीसा की चमत्कारिक चौपाई का सुबह और शाम पीड़ित व्यक्ति के सामने पाठ करें और उन्हें सुनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि नियमित रूप से आपको अपने घर में गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। घर के बगीचे में आंक या फिर तुलसी का पौधा लगाना है। जी दोस्तों, जो आंक का पौधा होता है वह हमेशा गांव में मिलता रहता है। तुलसी का पौधा आपको अपने घर में बगीचे में जरूर ही लगाना है। जी दोस्तों, है साथ ही गरीबों को भी कटोरी भरकर अन्न दान करना है। कहा जाता है कि गरीबों को दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवनकाल में जो भी ऊपरी बाधाएं होती है, जो भी व्यक्ति के जीवनकाल में कष्ट होते हैं, भगवान शनिदेव उन्हें दूर कर देते हैं। साथ ही रविवार के दिन काले धतूरे की जड़ लें और उनका ताबीज बनाकर जो भी पीड़ित व्यक्ति है उन्हें पहना दें। लहसुन के रस में हींग मिलाकर जो भी पीड़ित व्यक्ति है उन्हें सुंघा दें। पीड़ित व्यक्ति को नारायण कवच का भी पाठ कराएं। गाय के घी, पीले सरसों, कपूर, गुग्गल का धूप बनाकर सूर्यास्त के समय गाय के गोबर से बने उपलों की सहायता से जलाएं। यह धुनी 21 दिन तक घर में देते रहें। साथ ही आपको बता दें कि सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में 0.5 किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलाएं। अब घर की छत से लेकर प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि में सभी जगहों पर उस दूध के छींटे हनुमान चालीसा या फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए करें।
बचे हुए दूध को घर के मुख्य द्वार पर फेंक दें। भूत प्रेत बदहाशी तुरंत मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी इस स्थिति में बैठे कि उनका धुआं सीधे उनके मुख पर आए और साथ ही इस मंत्र से जीरा को अभिमंत्रित करें। जीरा जीरा महाजीरा जीरिया चलाए, जीरिया की शक्ति से फलानी चली जाए। जिए तो रम टले, मोहे तो मशान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुक अंग भूत चले। जाए हुक्म पाडुआ पीर की दिहाई। और साथ ही एक और मंत्र है जो कि आपको अपने जुनकाल में करना है, सह ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशिश नमो ज्योति पंत गाय नमो रुद्राय नमः सिद्धि स्वाहा। तो दोस्तों उम्मीद करते कि आज का यह जानकारी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।